वाह यही है शायद। दीदी अरे आपके पैरों के नीचे यहाँ है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है कि मतलब बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। पानी पीते रहा करो भाई, जो नहीं पीते, क्योंकि मैं खुद नहीं पीता इसलिए कह रहा हूँ। जब मेरे को याद आता है ना कि पानी नहीं पिया आज सुबह से, मतलब या फिर बहुत देर से पानी नहीं पिया, तब मैं फिर जबरदस्ती पीता हूँ, प्यास ना भी लग रही हो जाए। और ये चीज जरूरी भी है क्योंकि पानी ना पीना है रोटी, प्रोटीन के रोटी बनाने है ही ना यार, वो डिब्बन खत्म पड़ा है ना, थोड़ा सा ये तू ले लियो। क्योंकि पानी ना पीने की वजह से दिक्कत क्या होती है कि तुम्हारे ना पेट में गर्मी बन जाती है, ठीक है। अब वो गर्मी बनेगी, गर्मी बनने की वजह से तुम्हारे पिंपल्स वगैरह निकलने शुरू होएंगे, उसकी वजह से तुम्हारे जैसे मेरे यहाँ दर्द होता है, यहाँ 3-4 दिन से मेरे यहाँ दर्द होता है, मैं बता रहा था ना वो गर्मी की वजह से ही हो रहा था। ज्यादा गर्मी बन गई तुम्हारे दस्त वस्त भी लग सके, मतलब डिपेंड करता है तुम्हारे किस हिसाब की गर्मी बन रही है। तो थोड़ा सा पानी वानी पीते रहा करो, ठीक रहोगे। ये देख लो प्रोटीन का नया नया दीवाना आया, इधर रोटी में प्रोटीन चाहिए, खाने में प्रोटीन चाहिए, आजकल नया शौक चढ़ा है इसका, जिम भी शुरू कर दे भाई। जिम अभी ना करूं मैं। अच्छा ये पानी पी लूं, ठंडा कर लूं, फ्रीजर थोड़ा सा पानी, पानी इतना बहुत है। पूरा डाल दे इसमें। किडनी खराब हो रही है, ठंडा कर लो। तुम्हारी किडनी जब उन चीजों से खराब नहीं हुई जिनसे दुनिया की हो जाती है, प्रोटीन से क्या होगी? ठंडा कर लो पानी। हाँ ठंडा कर ले भाई, ज़्यादा ज़्यादा जी उससे फिल्टर है, फिल्टर होता है सच्ची। वैसे ही नॉर्मल बात कर रहे हैं हम, वो नींबू पानी पी है ना, उस चीज की बात चल रही है। मैं वो सोडा के साथ ले, फ्रेश लाइम सोडा, या सिर्फ फ्रेश लाइम पानी के साथ? सिर्फ ये सोडा के साथ लेता है। मैं फ्रेश लाइम सोडा लेता हूँ या सिर्फ सोडा लेता है? कभी कभी पानी भी ना, सोडा कहाँ लेगा तू? हमने बात है ना, लेकर सोडा लेते हो, पानी भी ना ले। क्या कह रहे, सिगरेट विगरेट फेंक देते? हाँ, मतलब इसके अंदर डालती हूँ तो मैं क्या करूँ, फिर और ले जाके मैं भी डाल देती हूँ सुखा में। अच्छा मतलब जो भी मिलता है आप पैसे में गिर देते हो हमारा? मैं क्या करूँ बोलो, एकदम खाना खा के सब, एक साथ मैं इसीलिए सुखा वाला में सुखा रखा, खाने वाला क्वालिटी में खाना रखो। दीदी ने हमारे घर में ऐसे रख रखा है, 2 बाल्टी 2 डस्टबिन है, ठीक है। अब एक तो डस्टबिन 3 हमारे में, मतलब किचन में 2 डस्टबिन है ना, जो खा रहा है इसे डाल रहा है। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, ये दीदी सुधरेंगे नहीं, मतलब 2 डस्टबिन है, एक में पोलोथीन है, एक में पोलोथीन नहीं है, मतलब एक में सूखा कचरा डालो, एक में गीला कचरा डालो, ऐसे होता है ना दीदी? ऐसे होता है ना, ऐसे पर ये मानते नहीं है। अब दीदी को गुस्सा आ जाता है फिर क्या? मालूम नहीं, एक्टिंग नहीं कर रहा वो, उसके सफेद हो गए, शादी से पहले बूढ़ा हो गया बेचारा। दीदी का ना कई बार दिमाग खराब हो जाता है, दीदी जो भी मिलता है, जैसे वो भागम भाग नहीं, कौन सी मूवी है यार, वो कौन सी मूवी है, गरम मसाला में, जिसको खाने का है वो खाओ, जिसको नहीं खाने का नहीं खाओ, वो अगर नहीं खाना नहीं खाना सीधा डस्टबिन में। वो पूछा तो है कि नहीं खाना दीदी ने पूछा है, सीधा ऐसा स्टाइल है, कोई चीज दिख रही है कि एक्स्ट्रा सीधा डस्टबिन में। ओ अभी मर जाता मैं, हार्ट अटैक से मर जाता अभी, इस सोफे के नीचे छिपकली घुस गई उसके, वहां थी दीदी के कमर पर चढ़ जाती, यहाँ इसमें घुस गई, मेरे सामने कूद गया, मैं तभी बता रहा था आपको, और एकदम से ना मेरा पैन गिरा, मैंने सोचा यहाँ आगे वो कूद गया, भाई मेरे तो हालत खराब हो गई अभी, पसीने आगे देखे एकदम में। दीदी इसके नीचे, दीदी प्लीज छिपकली को ढूंढ के मार दो, प्लीज मारो मत, पकड़ के भगा दो, तू भी छिपकली लग रहा है इस टाइम, तेरी कसम पीछे पीछे गई। ओ यार दीदी, अरे दीदी दीदी, अरे ये दीदी, अरे मत करे मत करो, सो दीदी पकड़ लेंगे, दीदी पकड़ लो एक बार, वो दीदी हो रही, देखो वो ये सोफे पे चढ़ गई, जा रहा बाहर, जा रहा वाह यही है शायद, दीदी अरे आपके पैरों के पीछे यहाँ है, यहाँ इसके पीछे आ गया बिल्कुल। दीदी का खा जाती, दीदी तो कह रही वहां जा रहा यही डोल रही थी वो। ओ भाई खा जाती अभी दीदी, दीदी छिपकली खाया हुआ ना बचता नहीं है, ये बात ध्यान रखना, आपको पता है छिपकली में जहर होता है, फिर भी डर नहीं लगता आपको? जहर से डर नहीं लगता, सांप से लगता है डर, सांप से? हाँ। तो फिर छिपकली से क्यों नहीं लगता है? या फिर तेज मार देगा। दीदी शर्ट लगाओगे? या फिर जल्दी पोछा मारने की शर्त मेरे साथ, पोछा मारना, कौन पहले मारे पूरे घर में बताओ, अच्छा से मारना पड़ेगा, अच्छा से अच्छा से मारेगा, बहुत ऐसे चमका दूंगा बिल्कुल, पहले यही काम करता था ये। अच्छा है तो झूठ का, जो पार्टी देगा, कुछ भी खाओ पियो, कुछ भी खाओ पियो, बताओ 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 जल्दी बताओ, करें? आर यू रेडी गाइस? हां अभी टाइम नहीं है, बताओ दीदी, चलो किसी दिन टाइम हो जाए बताना, फिर तब करेंगे, ठीक है? कल
कल ठीक है, कल करेंगे तो ठीक है, कल पोछा चैलेंज करेंगे। ऐसा पोछा हो रहा है आपने घर में दीदी? एक ऐसा नहीं तो एक लाना पड़ेगा। बड़ा पोछा है ये? बड़ा पोछा है ये? छोटा है? अरे छोटा है, बड़ा लाना पड़ेगा। बड़ा मैं लूंगा फिर, ठीक है। कल दीदी के साथ पोछा, दीदी का वो वाला कर दे, उसके लिए तो छिपकली थी। आप गई यार, वो आपके बस ही रही है। चला कहाँ गया वो? कहाँ जाएगी? यहीं घूम रही होगी वो, मरवाएंगे मेरे को उसके ही। दोबारा की दिक्कत पालतू है क्या छिपकली हमारी? फिर ठीक है तो ओके ना भाई। दीदी कल करेंगे चैलेंज, ठीक है? दीदी के साथ वो कर दियो। कितने बजे आओगे कल ये तो बताओ। पता नहीं, पता नहीं दीदी, ऐसा मत करो, बताओ तो सही, फिर मैं तैयारी करके रखूंगा ना उसी हिसाब से। कपड़े वपड़े, कपड़े वपड़े उसी हिसाब से पहनूंगा जो मेरे को कंफर्टेबल लगे। आपसे जीतना भी तो ना मुझे। सही कह रहा है नगरी हो आ। क्यों है ऐसे? भाई मैं ऐसे पोछा नहीं मारे कि ऐसे ऐसे करके छोड़ दूंगी। नहीं बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल सर्वे भी होगा, सर्वे भी होगा। डेढ़ सीन शूट होना बाकी था, वो लेने के लिए अभी हम जा रहे हैं, वो ले आते हैं, उसके बाद कुछ खाएंगे। सुबह तो कुछ भी ना खा रखा आज, तो सच बता रहा हूँ, मतलब एक वो भी ना खा रखा कि ले भाई एक पार्ले जी का बिस्कुट खा लिया। प्रोटीन पी रखा इसने, प्रोटीन पी रखा बस, बाकी किसी ने कुछ ना। भाई तुमने कुछ खाया दोनों में? नहीं ओके था। ध्वनि लड़की क्या आवाज मन का हाथ बैठा दिया एकदम तो लड़की। भाई भाई प्रेस वाले से पूछ ले, प्रेस वाले से नहीं है काम ले रहा कर रहा होगा अंकल अपना। नोटबुक ले रहे ना, कोई लिख के किताब कर रहा होगा ऐसा करके कुछ। पार्टी चल रही है क्योंकि अभी हम शूट करने आया, जो एक सीन भूख लग रही थी, इतना टाइम था नहीं कि प्रॉपर कुछ खा सके, तो बीच बीच में ऐसे गंद खाते रहते, इसी वजह से मेरे को फूड पॉइजनिंग होती है और फिर मेरे पेट में दर्द हो, फिर मैं पड़ा रहा हूँ पूरे पूरे दिन, ठीक है। लेकिन दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं होता क्योंकि शूट करना है, टाइम कम है, ये खत्म करने के बाद जाएंगे फिर कुछ खाएंगे प्रॉपर, अभी इतना थोड़ा सा ही खा रहे हैं बस, थोड़ा सा ज्यादा खा रहे हैं। चलो 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 शूट खत्म हो गया गाइस, शूट खत्म हो गया, लास्ट सीन था ये भी हो गया, हमारा पैकअप हो चुका है, वीडियो आ जाएगी, मतलब जो हमारा बाकी सीन हो रखे ना, तीन दिन से शूट चल रहा है वो सीन हमने साथ साथ एडिट भी कर रखे, बस एक दो सीन थे छोटे छोटे से, ये हमने अब शूट कर लिए, जाकर एडिट कर देंगे फटाफट 2-3 घंटे में, उसके बाद हो सकता है आज शाम को वीडियो आ जाए, तो अगर आ गई तो इस ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहां से देख सकोगे, ठीक है। अगर नहीं आई तो फिर कल आएगी सुबह, कल वाले ब्लॉग में होगा तो देखने को मिल जाएगी, तो मैं जो जो चैनल पे हैं उन्हें पता चली जाएगा, मेन चैनल पर जो जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा उन्हें पता चली जाएगा, जिन्होंने नहीं कर रखा वो जाके कर लो, हाफ इंजीनियर सर्च करो, उनके सब्सक्राइब करो और फिर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो। करट करट बोल रखे पत्तों ने, पत्ते हैं यहाँ देखो कितने सारे, ये सारे करट परट बोल रहे हैं। इसका भी अगर वो आता कॉपीराइट तो यहाँ तो पूरे में कॉपीराइट था। देखो कॉपीराइट पीछे पड़े, ये ढेर लग रहे, प्यास लग गई, गला सूख गया भाई, गर्मी बहुत गंदी पड़ रही है गाइस। अगर तुम घर पर रह सकते हो तो घर ही रह लो, मतलब बाहर बहुत बुरा हाल है। सेफ भी रहोगे, काले भी ना होगे। हाँ खैर गोरा काले से तो क्या ही फर्क पड़ता है, क्यों ना फर्क पड़े, दिल पे लग गई इसके बाद। हे भगवान इसकी सुन ले किसी दिन, इसकी सेटिंग करवा दो यार कोई, तुम अरे कोई इनके बस की ना, देख रहे हो इनके बस की ना, तुम्हारे स्कूल में कॉलेज में पड़ोस में स्कूल वाले तो रहने दे यार, अच्छा सा लगेगा। अरे अगर किसी ने नुकाएगा को पिंड हो रहा है स्कूल वाले बताएगा। मीडियम मीडियम, मैंने संतरे का जूस पिया, मेरा मूड चेंज हो गया थोड़ा सा, लेकिन जूस पी के जो सुकून मिला वो लफ्जों में बताया नहीं जा सकता, भगवान कसम इतना सुकून मिला, ऐसा मतलब आत्मा से तृप्त होगी और कुछ चाहिए ना जिंदगी में, ऐसा हो गया मामला। इनका भी चल ही रहा है, पटियाला ने भी जूस पिया आज, जूस कैसा, बढ़िया था ना, सही टाइम पर बंद करा बिल्कुल। 6:30 बज चुके हैं, हम शूट कर रहे थे वहाँ से, हमारी ऐसी हालत हो गई थी, हम थोड़ा सा रेस्ट करा, ठीक है, वीडियो एडिटिंग हो रही है साथ साथ, फिर जरूरी काम आ गया एक और जरूरी काम आ गया जो, हाँ। जो हम दो दिया था, दो दिन से हम वेट कर रहे थे जिस चीज को कि दो बारी से दो दिन नहीं, हाँ, दो ब्लॉग से, मतलब पिछले ब्लॉग में मैंने बताया था और पिछले से पिछले ब्लॉग में मैंने बताया था कि हम जरूरी किसी चीज का वेट कर रहे हैं, उस चीज का आज फिर वेट कर रहे हैं हम, ठीक है। तो हमें वीडियो आज डालनी थी और यही आज नहीं डालेंगे हम, वो वीडियो डालेंगे कल, और वेट करने की जगह हमारी ये फिक्स हो चुकी है, अगर खूटे के बांध दिए दोनों ये। सुबह से ना हमने कुछ खाया है ना इस शरीर में कुछ गया, अब हमने ये मंगाया थोड़ा सा गंद, पिज्जा विज्जा खाएंगे थोड़ा सा, लेकिन पटियाला पता क्या कर रहा है, पटियाला तो कर रहा है यार कुछ बड़ा करना है, दिमाग से रख गया, मूवी देख रहा है बदमाश कंपनी, ठीक है, तो कह रहा भाई चाहे 2 नंबर का काम हो, कोई आइडिया चाहिए दिमाग में, वही करना है, पैसा कैसे कमाएगा भाई 2 नंबर से। इसका वो वाला सिस्टम ना लगा कई बार, वो कमलेश कैसे कहाँ से आया, भाग के ढूंढ ढूंढ भाई खा ले यार,
बाहर ये भाभी देख रहे हो, तुम्हें तो पता ही है यहाँ रह जो अब ऊपर आ रहे हो पटेल नीचे तो बूट डाल रहा है कोई ऊपर वाले में रहो कोई भाभी उसका वेट करता रहा 24 घंटे मतलब ऐसा वो उसमें ना गया है हम आपके यहाँ कौन है कि नजरे जमा के बैठे हैं रस्ते पे यार के कब आए पता नहीं कुछ ऐसा करके कुछ है वो डायलॉग वो सुलेमान भाई कहवे सुलेमान भाई का फैन है सुलेमान भाई का फैन हूं मैं तो गाइस ये व्लॉग भी रात को देखने को मिलेगा आपको लेकिन अब जैसे शूट खत्म हो गया ना उसके बाद 65 रुपए का है होएगा तो मैं क्या कह रहा हूँ जब ये ऐसे होएगा ना जब शूट ये खत्म हो गया उसके बाद व्लॉग सुबह ही आए करेंगे तुम ये मत समझना कि रात को ही आए करेंगे सारे अभी जैसे शूट चल रहा है तो इसके वजह से थोड़ा सिस्टम आगे का पीछे होगा पीछे का आगे हो गया ऐसे हो रहा है ठीक है समझ रहे हो ना तुम सिस्टम हाँ भाई वो पीछे का आगे होगा ये तो असली आदमी है तुम्हें पता ही है ना मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ सुबह जो लोग आते थे सुबह आएंगे क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो ये पूछते हैं कि भाई सुबह डालते थे सुबह ही डाल दिया 20 रुपए किलो प्याज है वो भी ना डाल रखी ना ढंग से गाइस ये 3 दिन तक नहाया ना है और यार गर्मी में 3 दिन तक नहायो भाई मैं क्या करूं यहाँ मैं कच्छा ना लाया या तौलिया भी ना है या कुछ भी ना है गंदा पड़ा था मिल गया तौलिया हमारा गायब होगा ढूंढ दी मैं तो सोच रहा गायब होगा मैंने कच्छा छोड़ रखा ही ना कोई बात ना आज ना लूंगा शाम को 3 दिन ना हुए वैसे अगर कायदे देखा जाए तो कल ना नहाया परसों सुबह ना आया था अब उससे पहले ना आया था कि तो 4 दिन हो गए फिर तो एक हिसाब से अगर घंटों के हिसाब से डील करे तो 4 दिन हो गए कोई बात ना आप खा के घर जाके बदबू आ रही है ना बदबू ना आ सके परफ्यूम लगा रखो तो कहां आएगी तो बदबू ही ना आनी चाहिए बस कोई बात ना घर जाके नहाऊंगा ये एक नकली सा कार्ड रीडर है जिसको मैं यूज करता हूँ मेमोरी कार्ड से अपना डाटा इसमें लैपटॉप में कॉपी करने के लिए लेकिन ये भी नहीं चल रहा आज इसे फेंक दूं खा जाऊं इसे क्या करूं है यूट्यूब पे ना दिखा देता है जो आप लोग कमेंट्स करते हो ना वो हमें मतलब मेरे को पता चल जाता है कि ये बंदे ने आज तक कितनी वीडियोस पे कमेंट करे हैं तो इसलिए और कितने अच्छे करे हैं कितने बुरे करे हैं तो वो सारी चीज पता चल जाती है तुम ये मत समझना कि पता नहीं चलता और मारना चाहिए यार वैसे कायदे से तो देखो फिलहाल के लिए मैं इस ब्लॉग को यही खत्म कर रहा हूँ ताकि मैं इसको एडिट करके डाल सकूं क्योंकि मेरा ये कार्ड रीडर खराब हो चुका है और मेरे को ये लेके आना पड़ेगा फिर उसमें वीडियो डाल मतलब इसमें डाल के फिर उसमें करेगा जुगाड़ करना पड़ेगा कुछ ना कुछ तो अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो इसको लाइक कमेंट शेयर कर देना और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना साथ में घंटा दबा लेना जो बेल नोटिफिकेशन वाला वो है जो नए आएंगे वो दबाना सिर्फ पुराने वाले जिन्होंने दबा रखा है वो छेड़ना मत वरना वो दोबारा दबके ना वो नोटिफिकेशन कैंसिल हो जाएगी ठंडा हो जाएगा बेल अगर तुम्हारी ऐसे है तो ऐसे ही रहने दो उसको छेड़ना मत ठीक है फिर मिलता है अगले व्लॉग में बाय बाय।